हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे लाइव क्लासेस होती है, उसके माध्यम से आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो। और जैसे आप कंटिन्यू तैयारी करते रहोगे, जिस दिन आपका एग्जाम समाप्त होता है उस दिन आप मेरे को बता देना कि सर आज मेरा एग्जाम है तो खत्म हो चुका है। बाद में मैं आपको आगे की रणनीति बताऊंगा कि आप क्या कुछ करना है, क्योंकि आपका एक साल भी खराब होने वाला है। अब आप सबको पता है कि आपने अब 10th का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपका एक साल है वो भी खराब ना हो, उसके लिए हम अच्छी से अच्छी रणनीति बना के कुछ अच्छा करेंगे। तो आप सभी को अपने YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना है, उससे आपको बेनिफिट बहुत से होंगे, क्योंकि अगर जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी आपको समस्या ना हो, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और लाइव रिजल्ट निकालेंगे तब पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी कर रहा की और किस प्रकार से एग्जाम दे गया। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहना। आज इसी क्रम में अपन चित्रकला है, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, जिसको अभी भी डर है कि पास किस प्रकार से होना है, क्या करना है। और एक बात मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, आपको अगर 80 नंबर बनाने हैं, 80 नंबर तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 80 नंबर नॉर्मली आ जाएंगे चित्रकला में, 80 नंबर कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आपको 80 नंबर के लिए करना क्या है, जैसे 2 नंबर लेसन है, 4 नंबर लेसन है, 7 नंबर लेसन है, ये आप 3 लेसन याद कर लेना, 3 लेसन याद कर लेना, इनसे आपके 80 नंबर आ जाएंगे। अब एक और बात बता दूं कि 3 लेसनों में क्या कुछ पढ़ना है, 3 लेसनों में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 नंबर 4 नंबर 7 नंबर लेसन है, उनके छोटे क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे जो 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन 2 लाइन तक जितने भी लेसन है उनको पढ़ ले, आपके अच्छे से अंक आ जाएंगे। दूसरी बात, काफी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, पासबुक नहीं है, तो उनको कैसे पढ़ना है, उनको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ना है, काफी वीडियो है चित्रकला की वो मिल जाएंगे, वो पढ़े। और उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिनको 100 में से 100 बनाने हैं, जिनको 100 में से 100 बनाने हैं, मुझे पता है ऐसे काफी शेर और शेरनियां बैठी है जिनको 100 में से 100 बनाने हैं, उनको कुछ नहीं करना, उनके जितने भी वीडियो डले हैं वो देखने हैं। जैसे कि मैंने एक पहला वीडियो बनाया था चित्रकला का, उसमें सारा पैटर्न बताया हुआ है कि कौन से लेसन से किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, वो देखना है आपको, ताकि आपको पता चले पूरा पैटर्न क्या है, किस प्रकार से पढ़ के आना है, किस प्रकार से वहां कॉपी में करना है। तो सभी जिसको 80 नंबर बनाने हैं वो 2, 4, 7 अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मेरी जो भी लाइव क्लास होगी उसको पूरा कंटिन्यू देख लेना, ताकि आपके अच्छे अंक आए। अब आगे बात की जाए तो जैसे 2, 4, 7 है, इनको पढ़ के करना क्या है, जितने भी छोटे क्वेश्चन है आपको बुक में नोट करना है, जिस दिन एग्जाम हो उनको आंखों में देख के अच्छे तरीके से फिर एग्जाम हॉल में बैठना है, वहां अच्छे से तैयारी के साथ आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। फिर बात करें तो जितने भी अपने मोस्ट क्वेश्चन अपनी कोचिंग की ओर से चल रहे हैं, काफी विद्यार्थियों ने अच्छा कमेंट किया कि सर आपने जो मैथ के बारे में बताया था वो भी काफी क्वेश्चन आए थे। और भी जैसे बात करें तो 12th के भी विद्यार्थी काफी बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास में मजा आ रहा है, तो मजा आएगा, क्यों ना आएगा, क्योंकि आप संस्कार कोचिंग एकेडमी के साथ जुड़े हो। और वहाँ जैसे टीम मेंबर्स की बात करें तो कमल सर है जो दासू सर के नाम से जाते हैं, मैथ के मास्टर माइंड है, ज्ञाता आदमी है, जो कि एनसीईआरटी जैसे सिलेबस को भी कम समय में उन्होंने करवा दिया। और उनके साथ साथ भी जैसे डीके सर है, उन्होंने भी हिंदी का काफी अच्छा कुछ बताया था। और उसके साथ आपको पता है कंटिन्यू लाइव सेशन चलते हैं, उसके साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बातचीत चलती रहती है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, क्योंकि इतने में नहीं पढ़ पाता हूँ, ताकि आपको जब भी जरूरत हो तो आप कमेंट के माध्यम से, आपको कमेंट में नहीं देखता हूँ, कोई भी मेरी टीम देखती है तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, अगर पता नहीं होता है तब भी आपको वहां बता दिया जाएगा, मेरे से पूछ के आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप मैसेज वाला थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ ऑफलाइन भी क्लासे होती है और उसके अलावा भी कई क्लासे होती है। तो अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जिसे बात करते हैं, पिकासो की 2 प्रसिद्ध काल अवधि के नाम बताओ। तो इसकी 2 काल अवधियां हैं, यानी इसका काल किस किस अवधि के अंदर हुआ था, तो एक तो था नीला, एक था धनवाद। अब आगे बात करें तो पिकासो की किस शैली ने उसे प्रसिद्धि बनाई थी, यानी उसकी कौन सी प्रसिद्धि थी, उसकी 2 कृतियों के बारे में बताना है। तो वो धनवाद थी, उनको प्रसिद्ध करने के लिए सबसे मोस्ट शैली मानी जाती है। तो धनवाद के बारे में आपको क्या अच्छा सा अध्ययन करना है, इसके बारे में जी बड़ा क्वेश्चन है जी छोटा है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ये 100% का मतलब है, ये कंफर्म आएगा। अब आगे देखो, गुलाबी काल की अवधि में कौन से वर्ष में शामिल है, गुलाबी काल की अवधि है जो कौन से वर्ष में शामिल है। तो यह अवधि की बात की जाए तो यह अवधि 1905 से 1907 तक की अवधि है जो शामिल है। तो आप 1905 और 1907 की अवधि है उसको अच्छे से पढ़े, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ब्लैक लॉरेंस के लॉरेंस को उसने कब बनाया, यानी उसने बनाया था 1913 में, कब बनाया था 1913 में। फिर बात करें अगला क्वेश्चन है, उसकी कला का माध्यम क्या था, यानी 1913 में बना दिया था लेकिन उसकी कला का माध्यम कौन सा था, उनका माध्यम था कैनवास होता है, कैनवास
और तेल रंगों का प्रयोग कैनवास पे, तेल रंगों का प्रयोग ये भी आपको पढ़ के जाना है वहाँ कैनवास के बारे में, प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं वहाँ बोर्ड पे, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके उत्तर देना है। अब आगे बात करें धनवाद के जनक किसे कहा जाता है, धनवाद के जनक की बात की जाए तो बोल सकता है उसको कहा जाता है। अब आगे बात करें तो कुख्यात चित्रकार पेब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, जन्म उनका 1811 में हुआ था, कब हुआ था 1811 में, और सॉरी 1881 में हुआ था, 1881 में, 1881 में हुआ था, कहां हुआ था स्पेन में हुआ था, कब कहां हुआ था स्पेन, स्पेन के मालगा शहर में हुआ था, कहां हुआ था मालगा शहर में। अब आपका कहां हुआ है वो मुझे जरूर बताना ताकि मुझे ही पता चले कि मेरे शहर और सहेलियों का वहां उस शहर में जन्म हुआ है, पता नहीं मैं कमेंट पढ़ लूंगा उस शहर में मेरा आना हुआ तो मैं आपके साथ जरूर टाइम स्पेंड करेंगे और आपके साथ जरूर मिलने का मौका आपको भी मिलेगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अमृत कला का उद्भव कब से माना जाता है, यानी अमृत कला है उसका उद्भव कब से माना जाता है, तो उद्भव की बात की जाए तो 1910 से इसका उद्भव माना जाता है या 1910 से ही इसको स्टार्टिंग मिली थी, तो 1910 के बारे में आप अपनी किताब में है तो ये लेसन आप जरूर याद करना, ये लेसन जरूर याद करना, इस लेसन से बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो मैंने लेसन बताया 2007 ये तो आप डेफिनेटली तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठना, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। साथियों प्रैक्टिकल के बारे में आप चिंता न करें, प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन लिखाए जाएंगे बोर्ड पे और उनका आपको आंसर देना है, तो आप प्रैक्टिकल फाइल है उसपे जितने भी मेरे स्टूडेंट है उनसे निवेदन है कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या करना है, अपने अपने रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, कक्षा लिखना है। अगर आपने अभी तक रोल नंबर नहीं लिखे हैं तो रोल नंबर जरूर लिखना, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल में आपकी क्या दिखा दिया जाएगा, अब्सेंट दिखा दिया जाएगा साथियों, क्योंकि वहां आपके रोल नंबर नहीं है तो वो जो मैम चेक करेंगे तो वो नंबर किस प्रकार से देंगे। अब आगे भी देखो, अगर आपके अब्सेंट रहेगा तब आप प्रैक्टिकल में फेल हो साथियों तो क्या होंगे, थ्योरी में भी फेल हो जाओगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिकल में भी रोल नंबर लिखने हैं और प्रैक्टिकल आपको जरूर देना है, जहां जिस जगह आपका एग्जाम है वहां कन्फर्म कर लिया कि चित्रकला का प्रैक्टिकल कब है और पेपर कब है, वो आपको जानकारी जरूर लेनी है, अन्यथा आपको क्या करना पड़ सकता है एक साल और खराब करना पड़ सकता है, तो ये दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। काफी स्टूडेंट्स आज सुबह से बात कर रहे हैं तो उनके मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे क्योंकि तो सर हमारा प्रैक्टिकल बताया था आज तक भी हुआ नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जैसा स्टूडेंट्स को न्यूज दी जाती है जानकारी दी जाती है उसके बाद ये नहीं होता है, तो मैं फिर से एक बार पुनः कहता हूँ कि प्रैक्टिकल में आप कोई भी स्टूडेंट मिस ना हो, जहां तक आपको संतोषजनक जानकारी नहीं मिले वहां तक आपको जानकारी लेके ही आपको एग्जाम हॉल के लिए तैयार रहना है, अन्यथा आपको फेल होने से कोई नहीं बचाएगा, प्रैक्टिकल में जरूर जाना आपको सही समय के साथ, बस प्रैक्टिकल पूरा ध्यान रखना है, अगर प्रैक्टिकल ध्यान नहीं रखोगे तो फेल हो जाओगे, उसके बाद थ्योरी का भी पूरा ध्यान रखना, दोनों चीजें इसमें क्या है करनी जरूरी है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब आगे कुछ क्वेश्चन है वो अपन कंटिन्यू करते हैं, अब आगे देखो आगे कुछ क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको अच्छे से देखें और इनको आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी नोट कर सकते हो, बट आप मेरे आइडिया से यही करें कि साथ साथ में नोट करते रहे ताकि मजा आना चाहिए क्लास में और दम होना चाहिए, दम होता है तभी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, ज्यादा सुनने से ज्यादा होता है तो ज्यादा सुनना भी, और अच्छी तरीके से नोट करके एग्जाम हॉल में बैठो तो अच्छी तरीके से इनको करके आना है, और कॉपी में करने का मैंने काफी वीडियो बता दिया, कॉपी किस प्रकार से करना है पेपर किस प्रकार से करना है वो तो आपको समझ में आ चुका है, इतने वीडियो देखा है। तो आगे बात करते हैं भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए, यानी भारत है अपना भारत देश है यहाँ कौन कौन सी ऐसी सजावट है जो फर्श पर बनाई जाए, फर्श का मतलब जानते हो आंगन बोलते हैं ना, ये फर्श है यहाँ बनाता है अलग ना रंगोली था कोलम, यहाँ रंगोली वगैरह बनाई जाती है, रंगोली का आपको पता है अपने खुद के घरों में बनाई जाती है और इसके बारे में अच्छे से आपको याद होना चाहिए। फिर है कोलम पेंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बनावट और आकृतियां कौन सी, यानी कोलम पेंटिंग होती है उसमें बनाने वाली आकृतियां और पेंटिंग कौन कौन सी होती है, तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके काम आने वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट करें, या वहां ज्यामिति और फूल के आकार की या आकृतियां होती है उनको बनाती है, ज्यामिति आप जानते हो गणित पढ़ते हो तो जिसमें त्रिभुज आकार वगैरह होती है ना उनके आकार की, प्लस जितने भी अपन फूल बनाते हैं उनके आकार के अलग अलग प्रकार के फूल बना सकते हैं तो वो सब इसमें कोलम पेंटिंग में आता है। फिर बात करते हैं कोलम पेंटिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं, किस से बनाई जाती है कोलम पेंटिंग के तरीके का सबसे मेन लिखे कोलम पेंटिंग का तरीका उसको सबसे मेन लिखना है, ये पर्सन आने का सबसे ज्यादा है तो उसको ध्यान से सुनो, कोलम के बारे में तो यह आ गया और भी पर्सन है, सतह को गीला करना
अपन फर्श में बनाएंगे तो उसमें क्या सतह को गीला करना, मोटे चावलों के पाउडर को रंगों के साथ मिश्रण करना, अगर रंगोली वगैरह बनाते हो तो उसमें कलर होता है, उसमें चावलों का ही पाउडर होता है, उससे वो रंगोली बनाई जाती है। सतह को गीला करना, मोटे चावलों के पाउडर को रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर बनी हुई आकृति को रंगों से बनना, यानी इसमें क्या है सतह होती है उसको सबसे पहले क्या करना है आपको गीला करना है। फिर क्या है जो मोटे चावल होते हैं, मोटे चावलों का जो पाउडर होता है, मोटे चावलों के पाउडर को रंगों के साथ, रंग होते हैं उनके साथ, रंगों के साथ मिश्रण करके, रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर, रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर बनी हुई आकृति को रंगों से बनने या बढ़ते रहना है। तो इसी प्रकार से यह प्रश्न आपको करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉलम पेंटिंग में किन वस्तुओं की चर्चा की जाती है। तो कॉलम पेंटिंग होता है उनमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी अपन चर्चा कर सकते हैं। बात करें तो मटके, घड़े, मटके जानते हो आप सबने, मटके ऊंचे भी होंगे, मटके देखे भी होंगे, जब सर्दियों का जैसे गर्मियों का मौसम रहता है तब आप मटके लेके आते हो और सर्दी में मटको रख दो आप कि अगले साल गर्मी में काम में लेंगे। तो मटके, घड़े, लैंप, घड़े भी जानते हो ठीक है, लैंप भी जानते हो, नारियल के पेड़, नारियल के पेड़ देखे आपने, अगर धूप को नहीं देखे तो फोटो में देखे होंगे या टीवी में देखे होंगे। तो उसी प्रकार से कॉलम पेंटिंग में किन किन वस्तु की चर्चा की जाती है, कॉलम पेंटिंग में जैसे मटके हैं, घड़े हैं, लैंप का, नारियल के पेड़, इनकी चर्चा की जाती है। यह आपके प्रयोग भी आपने कर रखा होगा, अगर कर रखा है तो इनको पढ़ के जाए इसके बारे में पूछ सकते हैं वहाँ। फिर फुलकारी का क्या होता है, फुलकारी उसका क्या होता है, उसका काम होता है फूलों का काम करना, उसका काम क्या होता है फूलों का काम करना, और कपड़े का चमकीले चमकीला रेशम है या चमकीली चीजें हैं उन पे बना जाते हैं। अब भाई फुलकारी की चीज अपन जो फूल बनाते हैं वो किस चीज बना सकते हैं, यानी अपन मशीनों से भी बनाते हैं और हाथों से भी बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं ना वही है, ये अपन कपड़ों में बनाते हैं, ज्यादातर किस पे कपड़ों पे। तो इसको देखिए दो तरीके प्रश्न बताए हैं इसमें, दोनों का आप ध्यान से देख लेना। कंथा का प्रारूप है, प्रेरणा का क्या स्रोत है, ये थोड़ा देखो बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल से आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ये थोड़ा देख लेना बड़ा क्वेश्चन है। अब आगे बात करें कंथा को किस लोक कला से प्रेरणा मिली है, यानी जो कंथा है उसको किस लोक कला से प्रेरणा मिली है, यानी वो कौन सी लोक कला है जिससे अपने प्रेरणा स्रोत के दायित्व का कार्य करती है। तो काली घाटी पटचित्र है, उनसे उनको क्या प्रेरणा मिली है ठीक है, काली घाट एक पटचित्र है उनसे उनको प्रेरणा मिली है। फिर है मधुबन की चित्रकला के संबंध कहाँ से है, जो मधुबन है उनका चित्रकला का संबंध है, चित्रकला से कहाँ से बनती है और कहाँ से उसका संबंध है, उसका संबंध है बिहार से ठीक है ना, बिहार से। तो ये सारे क्वेश्चन है आपने देखे हैं, कॉपी में नोट करना, एक बार पुनः बताता हूँ 2, 4, 7 ये तो आपको याद होना ही चाहिए, इनसे ये प्रश्न आएंगे आपके अच्छे अंक बन जाएंगे, अगर इतने लेसन याद है तो आपके 80 नंबर आराम से आते हैं और 80 आता है वो आराम से खुश हो जाता है। बाकी चित्रकला में कोई फेल नहीं होगा, जो इस क्लास को देख रहा है कोई फेल नहीं होगा, अगर फेल होता तो मेरे को बता देना, लेकिन इसके साथ साथ पहले बता दूं आपको प्रैक्टिकल वहां देना पड़ेगा प्लस एग्जाम हॉल में आपको बैठना पड़ेगा, दोनों करना है, प्रैक्टिकल भी देना है, वाइप अप भी देना है और एग्जाम हॉल में बैठना है। अगर आप में से कोई चित्रकला में फेल होता है तो रिजल्ट है उसके मेरे को बता देना। चित्रकला में जो 3 क्लास है उनको देख लेना, कोई फेल नहीं होगा, निश्चित हमारी गारंटी है, 100 में से 100% हमारी गारंटी है चित्रकला में कोई भी फेल नहीं होता है ठीक है, ऐसे से तैयारी कर लेना आप इंग्लिश में ठीक है। अगला पार्ट अपने इसी क्रम में देखते हैं। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी है तो मजबूत से मजबूत कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपको पता है किस प्रकार से होगा और इस बार आपको निकलना ही है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी आपको कोरोना के कारण चलते हुए समय काफी खराब हो गया है, तो अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाना और अच्छे से पेपर करके आना है। पेपर का पूरा पैटर्न बताया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार से क्या करना है, तो वो भी ध्यान में रखें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पोंगल भारत में किस भाग में मनाया जाता है, यानी पोंगल त्यौहार है वो भारत का कौन सा भाग है उसमें मनाया जाता है, भारत तो बहुत बड़ा है लेकिन वो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मनाया जाता है, वो दक्षिण भारत है केरल एवं तमिलनाडु, दक्षिण भारत में आते हैं केरल एवं तमिलनाडु, वहां है जो पोंगल त्यौहार है वहां मनाया जाता है, कौन से में, केरल और तमिलनाडु में। अब बात करें कोलम को किसका प्रतीक माना जाता है, कोलम है उसको किसका प्रतीक माना जाता है, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे क्वेश्चन बात करें 19 नंबर की, फुलकारी का संबंध भारत के किस राज्य से है, जो उल्लू का काम करने वाली स्त्री था उसका संबंध किस भाग से है और फुलकारी है उसका भी संबंध किस भाग से, तो बात की तो पंजाब है ना, पंजाब वहां से इसका संबंध है,
पंजाब से क्या है इसका संबंध है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20, फुलकारी किस पर बनाई जाती है, यानी जो अपन डिजाइन बनाते हैं वो किस पे बनाई जाती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो बनाई जाती है कपड़ों पे। अब आपको पता है आपको तो डिजाइन कैसे बनाओगे, तो कपड़ों पे बनाएंगे अच्छी लगे, इसलिए किसमें बनाई जाती है कपड़ों पे, किसमें कपड़ों पे। फिर बात करते हैं वह कला आकृतियां बनाई जाती है, यानी फुलकारी की कला व आकृतियां किसमें बनाई जाती है, यहाँ से समझ लेना फुलकारी की कला व आकृतियां किसमें बनाई जाती है, वो बनाई जाती है किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी फुलकारी की जो आकृतियां वो किस प्रकार से बनाई जाती है। सितारा आपने देखा है, सितारा देखा ना, उसकी आकार की बनाई जाती है फूलों के आकार की, जैसे अपन देखते हैं गुलदस्ते वगैरह घर पे लाते हो तो उसी आकार की वो पेंटिंग बनाई जाती है। किसी बनाई जाती है कपड़ों पे, कपड़े आपने देखे हैं कपड़ों पे सारी डिजाइने वो बनाया करते हैं, और ज्यादातर काम है फुलकारी का कपड़ों पे होता है, किस पे होता है कपड़ों पे। तो ये पर्सन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू 3 साल से आ रहा है, थोड़ा देख लेना इसके बारे में। और फिर है कंथा कढ़ाई की मुख्यतः किस पर बना, कंथा कढ़ाई है मुख्यतः किस पर बनाई जाती है, वो बनाई जाती है पुरानी धोतियां हम साड़ी में, जो पुरानी धोतियां हैं वो साड़ियां हैं उस पे कंधा कढ़ाई हुआ है वो बनाई जाती है। अब आप कई बार क्या आपके मन में कुछ ना था कि सर बोलते सर ने बोलते 3 साल से कहां से आ रहा है, तो मैं बता दूं जब 2018 का एग्जाम हुआ था 18 जैसे अक्टूबर में उसमें एग्जाम था उसी में भी आया था, और 19 के पेपर में मिल जाएगा, और 20 का वर्ल्ड पेपर है उसमें देख लेना। 18 जैसे अक्टूबर से लेकर 19 का मेन एग्जाम हुआ था उसमें, 19 का आगे वाला एग्जाम नहीं हो पाया था क्योंकि वो कोरोना आ गया था उसमें, इसमें नहीं हुआ। तो वो 3 साल से कंटिन्यू इसके पर्सन है, पुराने वर्ल्ड पेपर देखो अपने यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, उनमें फुलकारी का पर्सन काफी बार पूछा गया है, और उस बार भी फुलकारी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि लेसन है, लेसन भी थोड़ी पूछना पड़ेगा छोटे क्वेश्चन से, कौन से आएगा आपको पता है 2, 4, 7 इनसे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें कितने क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, मेन बात वही पूछनी पड़ेगी उनको, रिपीट हो और सिलेबस है आज जो 5 साल हो गए चेंज हुआ नहीं अभी तक, तो उसी अकॉर्डिंग पूछना पड़ेगा उसको। बात करते हैं ये देखिए 21 नंबर आपने यहाँ बात करते हैं 22 नंबर पे किस लोक कला में कपड़े पर आकृतियां बनाई थी, ऐसी कौन सी लोक कला है जिसमें बन क्या कपड़ों पे आकृतियां बना सकते हैं, तो आप इसको भी देखें बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी लोक कला है जिसमें बने कपड़ों पे आकृति बनाते हैं, कपड़ों पे आकृति बनाए बात करें तो उड़ीसा है, उसके अधिकांश उड़ीसा के अधिकांश मंदिर की शैली में है। अगला प्रश्न सॉरी इसमें देखो किस लोक कला में कपड़े पर आकृतियां बनाई जाती है, काले धागे की सहायता से बनाई जाती है, यानी कपड़े हैं जैसे मान लो ये कपड़ा है ठीक है इस पे बनाई जाएगी, तो उसमें किस पे बनाएगी काले धागे उससे बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर उड़ीसा के अधिकांश मंदिर किस शैली के है, उड़ीसा है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ना है आपको 100% इसके बारे में पढ़ना है, उड़ीसा के बारे में आपको कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए, ध्यान रख लेना भाई ये प्रश्न आएगा। उड़ीसा के अधिकांश मंदिर किस शैली में है, तो करना आपको वैसे शैली में, कौन सी में वैसे शैली में। फिर बात करते हैं महाबलीपुरम क्या है, महाबलीपुरम की कम से कम आपको 4 लाइन कम से कम 4 लाइन याद होनी चाहिए, इसकी प्रश्न को आपको अच्छे से करना कम से कम है 4। दो दे रखी है आपका भी स्टूडेंट बोल रहे कि सर दो ही है, दो नहीं है उसके लेसन में देखो लेसन के अंदर जाके 4 लाइन देनी है, अगर वो दो का पूछेगा तो आपको 1.5 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा, अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो इसमें आपको 4 नंबर तक की बेहतर से बेहतरीन तैयारी करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है, और भी अपन इसी प्रकार से कई क्वेश्चन करते रहेंगे चित्रकला की आपको बेहतर से बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, और रिजल्ट है उससे देख लेना किस प्रकार से आपका रिजल्ट रहता है चित्रकला का, कंटिन्यू आप क्लास को देखते रहिए। देखो अब आगे क्वेश्चन अच्छे तरीके से इनको भी देखते हैं, अब बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने उनको आपको उत्तर भी प्रोवाइड करवाए, लेकिन बड़े हैं बड़ों में टाइम लगेगा, आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, मैं लेसन बता दूंगा उस लेसन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, और ज्यादातर क्वेश्चन आपकी बुक से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सोच रहे हो कहां से पढ़े बुक में मिल जाएंगे, अगर जो आपके पास गुडलक की है तो गुडलक से पढ़े, या सौरभ के तो सौरभ से पढ़ ले, जो भी है उसी अकॉर्डिंग पढ़े, अगर दोनों ही नहीं है तो पासबुक से पढ़े, अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद भी अपने पास रास्ता है। तो छोटे क्वेश्चन मैंने बता दिए, बड़े क्वेश्चन इतने ही हैं वो आप गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो ठीक है, तो वो भी पढ़े, और उसके अलावा भी कई जैसे टॉपिकों की क्लास है अपने चैनल में मिल जाएगी वो भी देख लिया, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप तैयारी कर सकते हो और अच्छे अंक लेके आ सकते हो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कलाकृति उनकी व्याख्या कीजिए, यानी राजा रवि वर्मा उसकी जो प्रसिद्ध कलाकृति थी उनके बारे में पूछा है, उनके बारे में वर्णन करना है, बड़ा प्रश्न है इसको डिटेल से लिख जाना है, कम से कम 3 अंक का प्रश्न है, 3 अंक का प्रश्न है, लास्ट अपने 3 अंक से बड़े नहीं आने, तो 3 अंक का प्रश्न है। फिर भाववाद के आंदोलन के पूरीता कलाकारों के नाम लिखे, जो आंदोलन किया था उन जितने भी कलाकार थे उनके बारे में अपने को नाम लिखने हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, पूछ सकते
सकते हैं और एग्जामिनर तीन नंबर में पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के माइंड सेट पे निर्भर करता है उसका किस प्रकार से माइंड है। तो अगर आगे दो नंबर दिया दो के अकॉर्डिंग लिखना, तीन दिया तो तीन लिखना है। अब इसका लिखने का तरीका बताऊं, इसको ऐसे लिखना है ऐसे पॉइंट में जितने भी नाम है उनको तीन नंबर जैसे पॉइंट है तीन नाम चार ऐसे पॉइंट में लिखना है ऐसे ताकि कॉपी भरी भी रहेगी, इधर से खाली रहते ना लेकिन नाम इस साइड लिखने आपको। फिर बात करते हैं समकालीन भारतीय कला पर सबसे पहले लिखे, जो समकालीन भारतीय कला है उसको सबसे पहले लिखना है, ये भी पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ध्यान दें, एक 27 नंबर वाला छूट गया बीच में, तो चित्र ने मुद्रण क्या है, जो चित्रकला की पद्धति है उसमें मुद्रण किस प्रकार से यानी छापा खाने वाला है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। ये भी बड़ा प्रश्न है, ये भी तीन अंक का प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दो या तीन अंक के प्रश्न बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से देखें। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कार्य को सबसे मिल के, सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में कुछ भी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको 100% वहाँ कुछ ना कुछ याद किया जाना है, तो ये देख लें, ये भी आपको करके आना वहां एग्जाम में। फिर बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर में बात करते हैं नासरी लड़की का चित्र सबसे पहले लिखिए, तो नासरी लड़की है उसका चित्र है वो आपको क्या है सबसे पहले लिखना, पूरा डिटेल से बताना है। आगे भी कई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जैसे मान लो 31 नंबर है गुप्तकालीन चित्रों को चित्रों की कला के कला क्या है मुख्य विशेषता, जो गुप्तकालीन चित्र है उसकी कला की मुख्य विशेषता है वो भी आपको करके आनी है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थानी चित्रकला के लघु चित्रों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो राजस्थानी चित्र चलिए उसके लघु चित्र है उसको विस्तार से वर्णन कीजिए, जैसे वर्णन में बात करें सुंदर है किशनगढ़ है अनेक प्रकार की शैलियां हैं उन्हीं में से एक शैली के बारे में पूछा जाए, जब तक इम्पोर्टेंट है किशनगढ़ शैली उसके बारे में देखें, और जैसे ढूंढड़ा शैली है वो भी इम्पोर्टेंट है, कई प्रकार की शैलियां उसका पूरा डिटेल याद करें, राजस्थान चित्रकला है उसकी डिटेल से आप याद कर लेना, इसमें से 1% पक्का आ जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पुनः जागरण की, जागरण क्या है अर्थ बताइए, पुनः जागरण उसका अर्थ याद करना है, दो अंक का प्रश्न पूछना है संभावना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसकी चार लाइन तीन लाइन लिख देना। फिर बात करते हैं मोनालिसा चित्र का वर्णन कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि चित्रकला चित्र के बारे में वर्णन डेफिनेटली पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर प्रभाववाद की, उत्तर प्रभाववाद है उसका वर्णन करना है, ये भी क्वेश्चन है आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ये आपके जैसे एक नंबर लेसन बता दिया मैंने, दो नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे बड़ा एक भी नहीं आएगा, तीन नंबर लेसन से है कुछ क्वेश्चन, कुछ पांच से और कुछ है छह से, तो आगे के क्वेश्चन है तो सात में छोटे आएंगे, आठ और नौ में अभी बता रहा हूँ तो आप देखते रहे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रभाववाद का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववाद उसका वर्णन करना है। उसके बाद वाटर लेडीज नामक चित्र का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम है 2019 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ आपके, अगर पुराने पेपर देखोगे तो उसको समझोगे ये आया हुआ तो ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतने नहीं है इसमें क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है कम क्वेश्चन है, तो ये वापस आने की संभावना है बहुत ज्यादा, इसको पढ़ लेना, 19 में आया था 20 में नहीं आया, और 21 में तो आप एग्जाम दे रहे हैं, 20 में दो एग्जाम थे दोनों में नहीं आता, अब 21 में आने की संभावना तो ये देखें, और आगे भी अपन इसी क्रम में क्वेश्चन कंटिन्यू देख रहे हैं, तो बच्चे लेसन होंगे। अब देखो आगे एक क्वेश्चन है जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है, तो पार्ट नंबर 8 से लिया गया है, ये पार्ट नंबर 8 है और ये अपने पार्ट नंबर 9 है, इन दो पार्ट से यही इतने क्वेश्चन है, ये दो पार्ट के चले जाना अच्छे से अच्छे ताकि आपके अच्छे अंक आए, और थोड़ा सा क्लास को शेयर करो और लाइक करो कमेंट करो, क्लास किस प्रकार से लगी वो भी बताया करो, ताकि इंटरेस्ट आना चाहिए आगे भी कि आप वाक्य में पढ़ रहे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत है तो रंग लानी जरूरी है, तो वही है। आगे देखो क्वेश्चन है गंगनाथ टैगोर की चित्रकला का वर्णन कीजिए, गंगनाथ टैगोर है उनकी चित्रकला है उसका वर्णन करना है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय कला में अमृता सरगिल का योगदान, इस नाम को भाई आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इस नाम को अच्छी तरीके से याद करना, इसमें से पक्का प्रश्न आएगा, इस नाम को आप इसके बारे में सारी डिटेल याद करके लाना, ठीक है। आगे बात करते हैं भित्ति चित्रकला क्या है और यही दो भित्तियों के चित्रों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको पढ़ना अच्छी तरीके से और अच्छी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, पेपर किस प्रकार से रहेगा, तो आपको बता दूं पेपर पैटर्न चित्रकला है, चित्रकला सब्जेक्ट कोड 225 के अंदर क्या करना है आपको, क्वेश्चन है वो आपके पेपर रहेगा आपका 30 अंक का पेपर रहेगा, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आपको प्रश्न होना जरूरी है और 30 नंबर का क्या रहेगा पेपर रहेगा, ठीक है 30 अंक का पेपर है, प्रश्न आपके बहुत कम है, ठीक है। अब बात करें तो अब एक एक अंक के प्रश्न है, पहली बात तो आपको क्या है सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है सभी प्रश्न क्या करने हैं हल करने हैं, सभी प्रश्नों को हल करना है। फिर उसके बाद करें बात करते हैं एक अंक के प्रश्न है, एक एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, इनकी आप कैसे भी करो इनको सही करना, आपको 10 अंक के यानी पार्ट नंबर 2, 4, 7 इन पार्ट से एक एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, पार्ट नंबर 2, 4, 7 से इनको आपको 100% सही करना है, किस प्रकार से करो वो आप जानो, आप अपने
किस प्रकार से हेल्प लेते हो किसी से, तो वो हेल्प की सहायता से भी आप कर सकते हो। अगर 2-4-7 के ये 10 अंक के प्रश्न सही करके आते हो तो आपके 80 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बात करें आगे, देखो 2 अंक के प्रश्न, जो 2 अंक के प्रश्न है उनको मैं साथ ही बता दूं 30 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में उनको लिखना है। कम से कम 2 नंबर को, 2 नंबर के जितने भी प्रश्न आपको पेपर में दिखाई दे वहां आप क्या करोगे, कम से कम उन्हें 30 शब्दों में लिखोगे। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में। अब आपके साथ 3 अंक के जो मैंने ये प्रश्न लिखे हैं, ये सारे 3 अंक के प्रश्न हैं, तो इनको क्या लिखोगे, 3 अंक के प्रश्नों को कम से कम आप 50 शब्दों में लिखोगे। 50 से अगर आप ज्यादा लिखते हो तब भी आपके अच्छा है, 3 अंक के वालों को कितने अंकों में, 50 में कम से कम है। आपकी जैसे मान लो ये कॉपी है, तो ये कॉपी ऊपर ऊपर तक पूरी भरनी है साथियों, इतनी सी आपको नीचे से खाली रखनी है, तो ताकि वो आप प्रश्न लिखो वापिस से तो प्रश्न में भर जाए एक लाइन खाली वैसे, और यहाँ उत्तर की 2 लाइन लिख के अगला प्रश्न आप स्टार्ट कर दो। इस प्रकार से साथियों आपको पूरा कार्य करके आना है और अच्छा सा पेपर करके आना है, और पेपर होते ही मुझे आप एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि सर हमारा पेपर किस प्रकार से हुआ और कैसे तैयारी कर रहे हो, और आप कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहना, और जैसे भी नेक्स्ट पेपर होते हैं उनकी आपको बेहतर से बेहतरीन क्लास हम प्रोवाइड करवाएंगे, और अच्छी अच्छी क्लास लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साथियों।